हिमाचल प्रदेश में एक तरफ बेरोजगारी से युवा त्रस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार की दमनकारी नीतियों ने जनता का जीना भी दुश्वार कर दिया है। आज हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में एक छोटा सा राज्य होने के बावजूद भी तीन स्थान पर आ गया है। ये आंकड़ा मंडी लोकसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस मीडिया प्रभारी अमनदीप सिंह बत्रा ने पेश किया है। देखिए, जिस प्रकार से आप सभी को ज्ञात है कि हिमाचल में भाजपा की सरकार शासन कर रही है और इतने समय से शासनकाल चल रहा है सरकार का, लेकिन सरकार निरंतर ही फेल होती नज़र आ रही है। चाहे वह युवाओं की बात कर ली जाए, चाहे वह हिमाचल की जनता की बात कर ली जाए, एवं प्रदेश एवं देश के मुद्दों में भी सरकार फेल हो रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम यही है कि हम युवाओं के मुद्दों को उठाने का कार्य करेंगे और जो जनता को एवं आप सभी के प्रेस के माध्यम से हम जनता तक पहुँचने का कार्य करेंगे एवं प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक सदस्य को ढूंढने का कार्य करेंगे। आज हिमाचल इतना पावरफुल प्रदेश है, लेकिन बेरोजगारी में भी अव्वल नंबर पे है, एवं अन्य चाहे हम GST ले लें, चाहे हम अन्य पदार्थ ले लें, जिस मामले में भी सरकार संपूर्ण तरीके से फेल है। सरकार ने जो वादे किए थे, सरकार उस पर खरा नहीं उतर पाई है। देखिए, अब वो इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से फैले। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि सेंटर से लेकर स्टेट तक किसकी सरकारें हैं? कांग्रेस की सरकार है क्या जो इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं? इसका मतलब उनको कुछ पता ही नहीं है कि सरकार है किसकी और सरकार मंत्रालय चला कौन रहा है, देश के प्रधानमंत्री कौन सी पार्टी के हैं, स्टेट में किसकी सरकार है। और मैं ताज्जुब की बात यह है कि उन स्टेट्स के ये हाल है जिनमें भाजपा की सरकार है, तो उनसे आप जाके ये पूछिए कि क्या आपको किसी चीज़ का पता है? आप भाषण एवं जवाब देने से पहले आपको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या नहीं बोल रहा हूँ?